प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का सत्र चल रहा है, जहां आज सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन श्रद्धांजलि दी गई कई लोगों को, साथ ही साथ आज प्रश्न उत्तर काल भी देखने को मिला। सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी हुई। सिद्धार्थनगर में पुलिस की गोली से महिला की मौत के आरोप पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस भी हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की गोली से मौत की थ्योरी नकार दी, जबकि अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस की गोली से ही महिला की मौत हुई है। दोनों के बीच काफी बहस हुई। विपक्ष द्वारा कई मुद्दे उठाए गए, जिसमें बच्चों की यूनिफॉर्म, किताबें, गिरते शिक्षा स्तर, अपराध, महिलाओं पर अपराध और अत्याचार पर प्रश्न उत्तर भी किया गया। तीखी बहस भी अखिलेश और योगी के बीच देखने को मिली। इसके साथ ही बलिया प्रयागराज जैसी घटनाओं पर भी सवाल खड़े किए गए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने पिछले 5 वर्षों में भी जीरो टॉलरेंस के साथ कार्यवाही की है, बिना किसी परवाह किए बिना कार्यवाही जारी रखी जाएगी। महिला संबंधी अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने गर्मी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन सबकी गर्मी शांत की जा रही है। हमारे राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ है, यूपी नजीर है। तो यूपी को एक नजीर बताया है। तीखी नोकझोंक देखने को मिली अखिलेश और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज बड़े ही गरिमापूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही देखने को मिली है, कई मुद्दे उठाए गए, सभी विपक्षियों ने आज प्रश्न किए, जिसका उत्तर बड़ी जिम्मेदारी के साथ सदन के माननीय गण ने दिए हैं। किस तरह से देखते हैं, आज कई अहम मुद्दे उठाए गए हैं सदन में? देखिए, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी तरह होती है कि हम जनता के मुद्दों को उठाएं और सरकार को घेरें और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। और किस तरह आने वाले समय में उसका निराकरण होगा, ये भैया सरकार बताएगी। आज दूसरे दिन की बात करें, दूसरे दिन की शुरुआत जब हुई तो नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद जब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने जवाबदाही शुरू की, तो उन्होंने कहा जिस तरह से कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है, सिद्धार्थनगर में महिला की मौत का मामला उठाया गया, इसके अलावा जो तमाम तरह की जो कानून व्यवस्था में घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए कहा गया कि सरकार कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है, और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति होती है जो सरकार की हमेशा एक प्रथा रही है कि अब जीरो टॉलरेंस, पिछले कार्यकाल की बात करें और चाहे इस कार्यकाल की बात करें, तो अखिलेश यादव का कहना था कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है ये केवल दिखावे की है और लगातार हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है और थाने से लेकर अधिकारी सबरे बिके हुए हैं और सब इनकी और सरकार की सरपरस्ती में लगातार जनता का शोषण यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस तरह का जो आज जो चर्चा भी हुई, प्रश्नकाल भी रहा और साथ ही साथ जवाबदेही की बात भी की गई, क्योंकि हर मुद्दा उठाया गया, चाहे बच्चों की शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे फीस का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे जीरो टॉलरेंस नीति का मुद्दा हो। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर शुरुआत जो आज हुई थी उसमें स्वर कोकिला भारत रत्न स्वर्गवासी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई थी, जिनका अभी दिवस 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया था। तो उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ ही इस जो दूसरा सदन था उसकी शुरुआत हुई और चर्चा हुई और साथ ही साथ यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। जी, जिस तरह से बच्चों की फीस की बात और जिस तरह से 1100 रुपए जो दिए जा रहे हैं ड्रेस के लिए, किताबों के लिए, उसका मुद्दा भी उठाया गया, ये कितना जरूरी था? क्योंकि जब 1100 रुपए देने की बात कही गई तो ये कहा जा रहा था कि नहीं, बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार अपनी साइज के कपड़े बनवा सकते हैं। आज इसमें भी बहस देखने को मिली, पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से इस पर अपनी अपनी राय रखी गई। आपको क्या लगता है गौरव, कौन सी चीज ज्यादा सही है? जिस तरह से बच्चों को पैसा दे दिया जाता है लेकिन उनके माता पिता उसका उपयोग बच्चों की ड्रेस के लिए करते हैं। यहाँ सवाल तो निश्चित रूप से है, खासतौर से जिस तरह से, क्योंकि 1100 रुपये फीस का मुद्दा है, जो व्यवस्था का मुद्दा है, जो दिया जा रहा है बच्चों की दो ड्रेस के लिए, बच्चों के जूतों के लिए, मोजों के लिए, एक बैग के लिए, निसंदेह इस पर पहले भी चर्चा हुई है। आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम पार्टियों ने इस पर सरकार को घेरा था, पहले भी घेरा था, लगातार कहा जा रहा है जो 1100 रुपये दिए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं और इनका अभिभावक उपयोग करेंगे ये भी कन्फर्म नहीं है, ये भी निश्चित नहीं है। और साथ ही साथ ये जो पैसे हैं निश्चित रूप से कम पड़ेंगे, क्योंकि दो ड्रेस खरीदना, दो जूते खरीदना, दो मोजे खरीदना, एक बैग खरीदना 1100 रुपये में आज के समय में संभव नहीं है और लगातार सरकार इस पर घेरी जाती रही है। अब सरकार का अपना कहना है कि मंत्री उनका कहना था कि सरकार ने इसमें किताबें शामिल नहीं है, इसमें कॉपी शामिल नहीं है, केवल आपको ड्रेस खरीदनी है, जूते मोजे खरीदने और बैग खरीदना है, इतने में लोग ले सकते हैं और ये बहुत
पर्याप्त है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी इस पर तमाम टिप्पणी की, उन्होंने कहा था डबल इंजन सरकार है तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप दुगने क्यों नहीं दे रहे हैं, 1100 या 2200 भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो फीस का मुद्दा था, स्कूल ड्रेस का मुद्दा था, अभिभावकों के जो खाते में राशि भेजी जा रही है इसका मुद्दा था, आज चर्चा का मुद्दा रहा है और साथ ही साथ इस पर पक्ष विपक्ष की गहमागहमी रही है। जहां एक तरफ विपक्ष ने बलिया और प्रयागराज जैसी घटनाओं को उठाया तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नजीर बनाए उत्तर प्रदेश, यहां 5 साल में कोई दंगे नहीं हुए, महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोनों के बीच इसमें तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। गौरव, देखो नोकझोंक देखने को इसलिए मिली है क्योंकि अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे थे, चाहे जीरो टॉलरेंस की नीति हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, प्रयागराज की बात हो, ललितपुर की घटना की बात हो, सिद्धार्थनगर की महिला की हत्या जो हुई है वहाँ की बात हो, तो यहाँ पर जो आरोप है निश्चित रूप से सरकार पर आरोप लगते रहते हैं और विपक्ष ने आज भी वही किया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ये कह रहा था कि हम कड़ाई के साथ कानून व्यवस्था को पालन कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ पर ईद हो गई है, सड़कों पर नमाज नहीं पड़ी गई, हनुमान जयंती का कार्यक्रम बहुत आराम से रहा और 5 साल के कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और यहाँ पर हम कानून व्यवस्था लोगों पर कार्रवाई करके करते हैं, माफिया पर कार्रवाई करके करते हैं, यहाँ पर कोई ढील ढाली का माहौल नहीं रहता है, हम काम करते हैं। और आपने देखा है किस तरह से हम लगातार माफियाओं की संपत्ति कुर्क कर रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं और उनको जो है जेल भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर उनका कहना था हम काम कर रहे हैं और हम पुरानी ये बात नहीं कहते हैं कि कहा जाता था कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, इस तरह काम नहीं होता है और कानून व्यवस्था को पूरे सुदृढ़ से उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो सीधे तौर पे जिस तरह से आज प्रश्न उत्तर का काल देखने को मिला है, नोकझोंक भी देखने को मिली, जहां मिसाल बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि महिलाओं के ऊपर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कोई भी अपराध और हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। ज्ञानवापी मामले पर जिला कोर्ट का आदेश सामने आ गया है। अब ज्ञानवापी पर ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई होगी। बता दें कि वाद सुनवाई के लायक है या नहीं इस पर 26 मई को सुनवाई होगी। इस मामले में सभी पक्षों से सर्वे पर 1 हफ्ते में आपत्ति मांगी गई है, साथ ही दोनों पक्षों को वीडियोग्राफी की कॉपी भी दे दी जाएगी। तो जिस तरह से मांग करी जा रही थी कि दोनों पक्षों को वीडियोग्राफी की कॉपी मिले ताकि वो अपनी दलीलें पेश कर सके, साथ ही जान सके कि वहां पे क्या कुछ मौजूद है और क्या कुछ तस्वीरों के माध्यम से कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, अब सुनवाई अगली 26 मई को होगी और सुनवाई में कई चीजों के ऊपर बात हो सकती है और उससे पहले वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों पक्षों को मुहैया कराई जाएगी, अब क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस 1 हफ्ते में? जी शिखा, आपको बता दें कि वाराणसी के मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण में आज कोर्ट की सुनवाई हुई है, जिसमें आपको बताएं कि 26 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट की तरफ से दोनों पक्षों को जो वीडियोग्राफी हुई 3 दिन तक, साथ ही साथ जो भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज इकट्ठा किए गए उन सभी दस्तावेजों को दिया जाएगा और उनकी तरफ से एक टिप्पणी जानने की बात कही गई है, आपत्ति जताने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शिखा, ये जो कोर्ट के आदेश के बाद ये जो पूरा वीडियोग्राफी है, पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो पूरी वहां पे चीजों को खंगाला गया है, वो सब चीज अब उन्हें दिया जाएगा। उसके बाद कोर्ट में अगली सुनवाई के समय उन्हें अब दलील देनी होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने 7 दिन का वक्त भी दिया है आपत्ति को लेकर। वहीं आपको बताएं कि जो जिला जज अजय कृष्ण हैं, उनकी तरफ से कहा यह गया है कि अब पूरे मामले की सुनवाई 21 को होगी, तो इस पे मुस्लिम पक्ष के वकील की तरफ से कहा यह जा रहा है कि जो एक्ट ऑफ वर्शिप है, जो अधिवक्ता मदन मोहन यादव हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि एक्ट ऑफ वर्शिप 1991 के तहत आप सुनवाई का प्रारंभ करें, जिसका जिला जज वाराणसी ने इसको स्वीकृति दी है। और वहीं आपको बताएं कि ऑर्डर 7 के तहत 11 प्रार्थनाओं पर पहले जो जज हैं वो इस पर निर्देश देंगे, पूरा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, इसके बाद फैसले की सुनवाई होगी। जी शिखा, जी जिस तरह से ये बात भी कही जा रही है, एक्ट ऑफ वर्शिप के तहत मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि इस मामले में सुनवाई के लायक कोई चीज है ही नहीं, तो ये भी 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि इस पे रिसर्च करी जाएगी, बात करी जाएगी और कहीं ना कहीं तथ्य जुटाए जाएंगे कि ये वाद सुनवाई के लायक है या नहीं। लेकिन जिस तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं उसको देखते हुए क्या कहेंगे विभांशु? जी बेशक, अब जो कोर्ट के द्वारा
दोनों वादियों को साक्ष्य दे दिया गया है। साथ ही आपको बताएं कि अब साक्ष्य देखने के बाद उन्हें अपने पर आपत्ति जतानी होगी, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट के ये जो सबूत दिए जाने के बाद क्या ये वायरल होता है या इसे सुरक्षित रखा जाता है। ये वकीलों का अगर, और साथ ही साथ जो वादिनी है, जो याचिकाकर्ताएं हैं महिलाएं हैं, उनके विषय है। मगर आपको बताएं कि जहां हिंदू जो हिंदू पक्ष है उसके वकील की तरफ से कहा गया है कि ये एक्ट ऑफ वर्कशिप के तहत नहीं है बल्कि ये अलग मुद्दा है, आपको इससे हटकर और फैसले देने होंगे, तो वही मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि एक्ट ऑफ वर्कशिप के तहत इसको फैसले को सुनाए। अब आपको बताएं कि जहां एक तरफ कहा यह जा रहा है हिंदू पक्ष से कि ये एक्ट ऑफ वर्कशिप से अलग हट के फैसला है, ये उसके अंदर में नहीं आता। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट इस पे क्या फैसला सुनाता है, और आने वाली 26 तारीख को इस पे फैसले सुनाने की आशंका की जा रही है। वहीं आपको बताएं कि इस प्रकरण के बाद पूरे वाराणसी डीजे कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को पूरे सुरक्षा के इंतजाम से लैस कर दिया गया। साथ ही साथ आज जहां कल 24 लोगों के आने को कोर्ट में आदेश थे, उसे 36 कर दिया गया। वकीलों की दोनों तरफ से टीम और दोनों पांच याचिकाकर्ताएं महिलाएं आज मौजूद रही, और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जो डीएम है, एसपी है, वो पूरी तरह से प्रशासन को निर्देश दिए हुए हैं कि पूरे निर्देश उसमें नजर जमाए रहे और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं जिससे कोई अनहोनी ना हो सके। साथ ही साथ आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से सोशल मीडिया टीम को भी एक्टिव मोड में रहने को कहा गया है कि आप ऐसे कुछ अनर्गल चीजें सोशल मीडिया पे वायरल या कोई पोस्ट किए जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसे जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता विभाषी मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो सीधे तौर पे सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं और एक हफ्ते का समय दिया गया है ताकि दोनों ही पक्ष अपने अपनी दलीलें पेश कर सके और कोर्ट उस पर सुनवाई कर सके। रुक करते अगली खबर की तरफ। कन्नौज में एक बड़ा मामला सामने आया है जहां नगर पालिका के नाम पर हो रही वसूली के विरोध में ऑटो चालकों ने चक्का जाम कर दिया है और यहां आंदोलन अवैध वसूली मांगने पर हुआ। ऑटो चालकों के हड़ताल की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने चालकों को हड़ताल खत्म करने के लिए समझाया और एसडीएम ने कहा कि ऑटो चालकों की समस्या का जल्द निपटारा किया जाएगा। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो नई गाइडलाइंस आई हैं इनके द्वारा अवैध रूप से नगर पालिका क्षेत्र में बस स्टैंड के सामने, जीपी रोड के सामने पार्किंग कर दिया जाता था, जिससे आम जन के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती थी, कभी किसी दिन एक्सीडेंट हो जाता था। तो इस तरह उद्देश्य से इनको कहा गया कि आप लोग अपने वाहन को गलत जगह पार्किंग न करें, आप लोग मूविंग में रहें। तो उसके विरोध स्वरूप इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया इनकी समस्याओं पर, जो इन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा है, जल्दी हम लोग सार्थक रूप से विचार विमर्श करके इसका हल करें। खबर बुलंदशहर से है जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। खड़े ट्रक में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से दो बच्चों समेत पांच श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और छह लोग घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें मामला NH 235 का है जहां गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के गाँव फूट अड्डा का ये मामला बताया जा रहा है, जहाँ स्कॉर्पियो सवार बुलंदशहर से केदारनाथ जा रहे थे तब ये हादसा हुआ। आज बुलंदशहर मेरठ हाईवे पर सुबह लगभग 4:30 बजे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है। एक स्कॉर्पियो में एक परिवार के लगभग 10 लोग सवार होकर के केदारनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। एक खराब होकर के किनारे ट्रक खड़ा हुआ था, उसमें स्कॉर्पियो टकरा गई और मौके पर दो बच्चे, एक महिला और दो पुरुष समेत पाँच लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। छः लोग घायल हुए हैं जिनमें तीन लोगों को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मैं और SSP साहब पूरी टीम के साथ पूरा राहत बचाव कार्य कर रहे हैं और यहां हम लोग अस्पताल में हैं, जो घायल हैं उनका इलाज भी कराया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रफ्तार का कहर देखने को मिला है, दो बच्चे समेत पांच श्रद्धालुओं की मौत हो गई तो वहीं छह लोग घायल बताए जा रहे हैं और खड़े ट्रक में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर बताई जा रही है, जहां खड़े ट्रक में पीछे से स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई, घुस गई और दो बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई है, छह लोग घायल बताए जा रहे हैं। NH 235
पर गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के गांव फूट अड्डा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां स्कॉर्पियो सवार बुलंदशहर से केदारनाथ दर्शन करने जा रहे थे, तो श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खड़े ट्रक में स्कॉर्पियो के टक्कर से यह हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 बच्चों समेत 5 की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि 6 लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर से यह खबर सामने आ रही है। तो श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई, खड़े ट्रक में श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे थे, बुलंदशहर से केदारनाथ जा रहे थे श्रद्धालु, जहां इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं, 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार के चलते आए दिन कई घटनाएं होती रहती हैं, तो ये बड़ा हादसा बुलंदशहर से सामने आया है। उस समय 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विशाल कुमार जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। संवाददाता विशाल, कहां पे हुआ है और कितने बजे यह हादसा हुआ है? मैं आपको बता दूं, ये लगभग सुबह 4:30 बजे का मामला था। ये बुलंदशहर से केदारनाथ के लिए दर्शन के लिए निकले हुए थे, और ये NH 235 हाईवे पर हादसा हुआ, जहां गुलाबी कोतवाली के गांव फुट आटा के पास घटना है जी। घायलों की हालत कैसी बताई जा रही है विशाल? जिसमें कि 5 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है, जिसमें कि SP और DM मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम जानकारी जताने के लिए पहुंचे हुए हैं जी। विशाल, स्कॉर्पियो सवार क्या एक ही परिवार के सदस्य थे? अलग अलग परिवार के बताए जा रहे हैं, जिसमें कि एक सुखोबाद का रहने वाला था जी। क्या चालक को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है विशाल? कहीं ना कहीं ये नींद की झपकी में बताया जा रहा है, और जो ट्रक खड़ा हुआ था उसमें जाके खड़े में स्कॉर्पियो घुसी थी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता विशाल जुड़े थे। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।